तो हाय फ्रेंड्स, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 1। अब इसमें आपको क्या दिया गया है कि दिए हुए पदों में सार्वे गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी कि इनके हमें क्या याद करने हैं, सार्वे गुणनखंड। और सार्वे गुणनखंड करने का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में जो कॉमन आता है यानी कि उभयनिष्ठ आता है गुणनखंड निकालने के बाद, वो क्या होता है इनका सार्वे गुणनखंड। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 12x, 12x तो बताओ 12x के यानी कि 12 के गुणनखंड क्या होते हैं, 12 का निकाल लेते हैं। तो 12 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 6 बार। फिर 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार। फिर 3 का भाग जाएगा 1 बार, यानी कि 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, ये इसके क्या होंगे, गुणनखंड। और साथ में क्या है, एक्स, वो कितनी बार है, 1 बार, तो एक्स लिख दिया। अब है आपका 36, तो बताओ 36 के गुणनखंड कैसे निकलेंगे। तो 36 में सबसे पहले 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 18 बार। फिर 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 9 बार। फिर किसका जाएगा, 3 का, यानी कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 का जाएगा कितनी बार, 1 बार। अब देखो 36 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 36 के गुणनखंड क्या हुए, 2 को 2 से गुणा करो 4, 4 को 3 से गुणा करो 4 3 12, 12 को 3 से गुणा करो 36। तो ये इसके सार्व गुणनखंड हो गए। अब सार्व गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में जो कॉमन है यानी कि इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है दोनों में, वो क्या होता है, सार्व गुणनखंड। तो अब देखो इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो इन दोनों में से 1 2 को उठाया, फिर गुणा। अब इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो इसमें से और इस 2 को, दोनों को एक जोड़े को उठा लिया, इन दोनों में से क्या उठाया, सिर्फ और सिर्फ 1 2 उठाया, फिर गुणा। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो दोनों में से 1 3 को उठाया, यानी कि दोनों तीनों 3 में से 1 3 को उठाया, उठा लिया। अब इसमें एक्स है, इसमें एक्स नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो इन दोनों का, तीनों का गुणा करो। 2 को 3 से गुणा किया कितना आया, 2 को 2 से गुणा किया कितना आया, 4 4 को 3 से गुणा किया कितना आया, 12। तो बताओ पहले प्रश्न का सार्व गुणनखंड क्या आएगा, सार्व गुणनखंड। तो पहले ऑप्शन का सार्व गुणनखंड आएगा आपका 12, और ये इसका आंसर होगा। कर दिया। अब हम निकालते हैं प्रश्न नंबर 1 के ऑप्शन नंबर 2 को। तो सबसे पहले हमें दिया गया है 14 PQ, फिर दिया गया है 28 P² Q². तो सबसे पहले निकालते हैं 14 PQ के गुणनखंड। तो देखो दोस्तों 14, तो 14 के कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले 2 आप 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 7, 7 बार। फिर 2 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 14 PQ को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 7, और साथ में क्या है, P और Q, यानी कि गुणा P और Q, दोनों एक एक बार लिखेंगे क्योंकि ऊपर कोई सुकायर नहीं है, और तो पी और क्यू हो गया। अब देखो 28, तो सबसे पहले आप निकालो 28 के गुणनखंड। तो 28 के गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं, किसका भाग जा रहा है, 2 का कितनी बार, 14 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 7 बार। फिर 7 का भाग जा रहा है कितनी बार, 1 बार। तो बताओ 28 के गुणनखंड क्या आएंगे, सॉरी 28 P² और Q² 28 P² और Q² के गुणनखंड क्या आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 7। और साथ में देखो P कितनी बार है, 2 बार, और Q कितनी बार है, 2 बार, यानी कि P × P × Q × Q, क्योंकि ऊपर सुकायर है तो 2 बार Q × Q लिख दिया। अब देखो सार्व गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है, अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि इन दोनों में से 1 2 को उठाना है, तो उठा लिया। फिर देखो इसमें 7 है, तो 1 7 तो ये रहा, फिर इसमें 1 7 ये रहा, तो एक जोड़ा ये बन रहा है आपका, तो इन दोनों में से 1 7 को उठाना है, तो 1 7 को उठा लिया। फिर इन दोनों में देखो, इसमें पी है, इसमें भी पी है, तो दोनों पी में से 1 पी को उठा लिया, इंटू इसमें भी क्यू है और इसमें भी क्यू है, यानी 1 क्यू ये रहा और 1 क्यू ये रहा, तो दोनों क्यू में से 1 क्यू को उठाया। अब देखो दोस्तों इसमें पी है और इसमें पी नहीं है, इसमें क्यू है लेकिन इसमें क्यू नहीं है, तो बताओ इनका सार्व गुणनखंड क्या आएगा, 2 को 2 से गुणा करो 14 और पी को क्यू से गुणा करो PQ, तो इसका सार्व गुणनखंड निकल कर आता है आपका 14 PQ। तो इस प्रकार आप इसके गुणनखंड निकाल सकते हो। अब है आपका अगला और लास्ट। अब इसमें देखो दोस्तों क्या है,
छह एबीसी, यानी कि छह ए बी सी। तो सबसे पहले तो आपको छह के गुणनखंड निकालने हैं। तो दोस्तों देखो, छह के गुणनखंड क्या होते हैं, दो का भाग दो कितनी बार जाएगा, तीन बार। फिर तीन का भाग दो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो बताओ छह को हम कैसे लिख सकते हैं, दो गुणा तीन गुणा ए गुणा बी गुणा सी, यानी कि ए गुणा बी गुणा सी, ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखो आपको निकालने हैं 24 ए स्क्वायर, सॉरी ए है ठीक है, और बी स्क्वायर। तो बताओ 24, तो सबसे पहले आपको निकालने हैं 24 के गुणनखंड, किसके गुणनखंड, 24 के। तो 24 के गुणनखंड हम कैसे निकाल सकते हैं, दो का भाग देना है 12 बार, फिर दो का भाग देना है 6 बार, फिर दो का भाग देना है कितनी बार जाएगा, तीन बार, फिर तीन का भाग देना है कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 24 ए बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर है इसके साथ ए, तो ए लिख दिया। फिर देखो दोस्तों क्या है इसके साथ, बी स्क्वायर, यानी कि बी को कितनी बार गुणा करना है, दो बार, तो बी को कर दिया हमने दो बार गुणा, ठीक है। अब आगे देखो 12 ए स्क्वायर बी, तो 12 ए स्क्वायर बी को, तो सबसे पहले हम निकालना है 12 के गुणनखंड, किसके गुणनखंड, 12 के। तो 12 का देखो दोस्तों नीचे मैंने निकाल रखा है, तो 12 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके, दो गुणा दो गुणा तीन, यानी कि दो गुणा दो गुणा तीन। और साथ में क्या है इसके, ए स्क्वायर बी, यानी कि ए को कितनी बार गुणा करना है, दो बार, तो ए गुणा ए इंटू बी। और है अब सार्व गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि इन तीनों में जो कॉमन है वो क्या होता है, सार्व गुणनखंड। इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें दो है, यानी कि एक जोड़ा ये बन रहा है पूरा पूरा, तो इन तीनों में से एक दो को उठाना है तो उठा लिया। फिर देखो इसमें तीन है, इसमें भी तीन है और इसमें भी तीन है, तो एक तीन ये रहा और ये रहा और ये रहा, यानी कि तीनों में से एक तीन को उठाना है तो एक तीन को उठा लिया। फिर देखो इसमें ए है, इसमें ए है और इसमें ए है, तो तीनों में से एक एक उठाना है, एक एक उठाना है तो उठा लिया। फिर देखो दोस्तों इसमें बी है, इसमें क्या है, बी है, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, तो एक बी को उठा लिया। अब देखो आगे, आगे देखो दोस्तों इसमें सी है, लेकिन इसमें सी नहीं है, इसमें सी नहीं है, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, दो को तीन से गुणा करो छह और ए को गुणा करो बी से, छह ए बी, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार आप इसके सार्व गुणनखंड बड़े ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना।